हेलो एवरीवन, मैं रुजुता ब्यूटी 9 से। आज हम सीखने वाले हैं कि आप अंडर आर्म्स को किस तरह से लाइट कर सकते हो। ये हमने काफ़ी हम लोगों में से सबने एक्चुअली हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि एक थोड़े टाइम के बाद में हमारे अंडर आर्म्स जो है वो थोड़े से डार्क हो जाते हैं, तो हम बहुत सारी कोशिशें करते हैं, वो लाइट नहीं होते हैं। तो ये एक बहुत आसान और बहुत इफेक्टिव तरीका है जो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। चलिए देखते हैं हाउ टू लाइटन अंडर आर्म्स। आपको लगेगा ये पैक बनाने के लिए दही, आलू, नींबू और एक बाउल। अब ये जो आलू है इसको आपको बॉईल करके लेना है, तो आप 4 टुकड़ों में इसे काट के बॉईल करके ले लीजिए। इसका छिलका आपको निकाल देना है और इसे बाउल में निकाल लेना है। तो आप इसका छिलका निकाल दीजिए और बाउल में ले लीजिए। अब इसमें हम दही डालेंगे, 1 चम्मच आपको इसमें दही डालना है और थोड़ा सा नींबू का, अब मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, 1 चम्मच आपको इसमें नींबू का जूस डाल देना है। अब ये सब मिक्स कीजिए इकट्ठा अच्छे से। ये आलू को मैश करना है आपको, तो अच्छा बॉइल्ड आलू ले लीजिए, एकदम अच्छे से सॉफ्ट बॉइल हुआ। अगर ये आपका चम्मच से नहीं हो रहा है तो आप हाथ से भी उसे अच्छे से मैश करके मिक्स कर सकते हो। अगर आपको और ज़्यादा उसको पेस्ट में ये करना है तो आप इसे मिक्सर में भी डाल सकते हो, मिक्सर में भी डाल के एक अच्छा पेस्ट बन सकता है। तो ऐसे जब आपका पेस्ट बन जाएगा तो आपको ये लेना है और आपके जो अंडर आर्म्स है या जो भी आपका डार्क एरिया है, डार्क हैंड्स होंगे, डार्क अंडर आर्म्स होंगे, तो आप इसे इस तरह से एक अच्छे थिक पैच में आपको लगा के रखना है इसे। एक जो हम रबर मास्क देखते हैं तो वैसे एक रबर मास्क जैसे एक थिक लेयर में आपको इसे लगा के रखना है ऐसे। आप ये मास्क आपको 15 मिनट तक रखना है, 15 मिनट तक आपको इसको अच्छे से आपके स्किन पे, आपके अंडर आर्म्स में लगा के रखना है। और उसके बाद जब ये सूख जाएगा आपका मास्क, तब आपको इसे स्क्रब करके निकालना है। तो चलिए रुकते हैं 15 मिनट, देखते हैं कि ये किस तरह से सूख के हमें कैसे स्क्रब करना है। तो अब जैसे आप देख सकते हो ये मास्क सूख गया है हमारा, तो हम इसे स्क्रब करेंगे हाथ पे अच्छे से। आपने जहां भी लगाया होगा उसे, अपने अंडर आर्म्स पे, अपने हाथों पे या अपने घुटनों पे, कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपने इसको लगाया है, तो आप इसे लोगे ऐसे और पूरे जगह पे ऐसे मसाज करोगे आप इसे। ये हल्के से आप स्क्रबिंग भी हो जाती है आपके हाथों की, और एट द सेम टाइम ये जो दही और आलू है और नींबू है, ये लाइटनिंग स्किन लाइटनिंग एजेंट्स है और स्किन को रीजनरेट करने के भी काम आते हैं। तो इसे ऐसे आपको स्क्रब करना है 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट के बाद आपको इसे धो देना है। अब मैंने ये क्लीन कर लिया है, वाइप कर लिया है अच्छे से। अब आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंस। तो इवन आप यहां पे भी डिफरेंस देख सकते हो,
हमने यहां तक मास्क लगाया था, तो ये पार्ट पूरा गोरा गोरा हो गया है और यहाँ का वैसे ही काला है। तो ये जो है ये इफेक्ट आपको आपके अंडर आर्म्स पे, आपके घुटनों पे या कहीं भी, इवन आपके चेहरे पे भी आपको ये इफेक्ट मिल सकता है। तो इस पैक को आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए, इसके इफेक्ट्स देखिए और हमें भी बताइए आपको इसके इफेक्ट्स कैसे लगे। और अच्छे अच्छे ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हमेशा की जैसी आपके कमेंट्स की हमें वेट रहेगा आपके कमेंट्स का। थैंक यू।